व्हाट्सएप गाइस, वेलकम बैक टू सिद्धार्थ गेमिंग। सबका फिर से स्वागत है सिद्धार्थ गेमिंग में। तो गाइस, आज हो रहा था बहुत सुहाना मौसम और मेरा कर रहा है गाना गाने का मन, लेकिन तुम लोगों को पता है मेरे गाने के स्किल बहुत खराब है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी नए बंदे चैनल पे हैं, चैनल कर दें सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन कर दें जाके ऑल पे सेट, जिससे मेरे आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो भाई ये लाइक भी कर देना वीडियो को, है मुझको बहुत मोटिवेशन मिलता है तुम्हारे एक लाइक से। तो फटाफट से हम निकल आते हैं लॉस एंजेलिस सिटी में। और आज हम इतनी ज़्यादा ड्रिफ्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि भाई इतना प्यारा मौसम था और ऐसे मौसम में GTA में गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा ओपी वाला मज़ा। लेकिन हम थोड़ी और आगे बढ़ते हैं तो मौसम बिगड़ने लगता है ज़्यादा। तो ज़्यादा बिगड़ने से पहले भाई मैं सोचता हूँ कि अपने घर को निकल लूँ, लेकिन भाई मैं सोचता हूँ फिर घर को नहीं जाऊँ, थोड़ा और घूम लूँ। लेकिन मेरे को फिर एक बंदा यहाँ पे बीच रोड में खड़ा दिखता है, ये पता नहीं क्या कर रहा था, तो मैं उसको छोड़ता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। तो मैं बढ़ जाता हूँ गाइस, लेकिन थोड़ी और आगे चलने के बाद पूरी लॉस एंजेलिस सेक होने लगती है। अब भाई मैं क्या कर सकता था, तो मैं यहाँ से फटाफट से निकलने लगता हूँ। यहाँ से निकलना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि भाई मेरे को नहीं पता था क्या आने वाला है, क्या दबने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉस एंजेलिस ख़त्म हो जाएगी, अर्थक्वेक आने वाला है लॉस एंजेलिस में, बहुत बड़ा वाला। अरे ये कौन सा राक्षस है और ये मेरी गाड़ी क्यों तोड़ रहा है, मुझे क्यों मार रहे हो भैया, मेरी क्या गलती है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया, मैं तो छोटा बच्चा हूँ। तेरा ही नाम फ्रैंकलिन है ना, जो सबको जानता है, हल्क को, सोनिक को, जा हल्क को बुला के ला। तब तो ठीक है भैया, मेरी गाड़ी क्यों फोड़ दिया, मैं जाऊंगा किससे, पैदल पैदल दौड़ के जा रहा हूँ, तुम मुझे मारना मत, मैं तुरंत हल्क को बुला के लाता हूँ, आप टेंशन मत लो। तो मैं गई जा रहा हूँ हल्क को बुलाने, इसकी चटनी बनवा दूंगा हल्क से, मैं बहुत मारा इसने मुझे, बहुत मारा। क्या बोल रहा है, मेरी चटनी बनवाएगा, रुक जा मैं बताता हूँ तुझे, तू मेरी चटनी बनवाएगा, मैं तेरी चटनी बना देता हूँ पहले ढंग से। अरे भैया मेरे मुंह से निकल गई गलती से, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मुझे छोड़ दो, इतना मत मारो, मर जाऊंगा फिर हल्क को कौन लेके आएगा, भैया प्लीज छोड़ दो, ऐसे मत मारो मुझे। क्या हुआ, अभी तो मेरी बहुत चटनी वटनी बनवा रहा था, अब क्यों भैया पे उतर आया, रुक जा अभी थोड़ी मजा आ रहा है मुझे, तेरे को बर्बाद तो करने दे। अरे भैया मुझे माफ कर दो, मैं छोटा बच्चा हूँ, मेरी गलती से मुंह से निकल गई, भैया अगर मैं मर गया ना तो हल्क को कोई नहीं ला पाएगा, और फिर आप हल्क को कैसे मारोगे, रुक जाओ मैं अपनी पावर यूज करके भाग जाता हूँ, तुम तो मार ही नहीं पाओगे मुझे, अब मारो, अब पकड़ के दिखाओ, अब मेरे पास पावर है, मैं तो भूल ही गया था कि सोनिक ने ये वाली पावर तो मुझे भी दे रखी है, जिससे मैं जल्दी जल्दी भाग सकता हूँ। अरे सोनिक भैया कहाँ हो तुम, मैं आ गया तुम्हारे पास, इसे टेम्पल के अंदर घुस जाता हूँ, इस टेम्पल के अंदर वो आ ही नहीं पाएगा क्योंकि इस टेम्पल में तो सिक्योरिटी सील लगी हुई है, अंदर नहीं घुस सकता कोई भी ईवेल आदमी। चलो फटाफट से अंदर चलते हैं, ये टेम्पल अंदर से चू क्यों हो रहा है, इसमें पानी चू रहा है भाई, ये छत सही करवा लो सोनिक भैया, इतने गरीब हो तो मुझसे पैसे ले जाना, मेरे पास डायमंड की लैम्बोर्गिनी है, आपके जैसा गरीब नहीं हूँ मैं, बहुत बड़ा आदमी हूँ। कहाँ हो सोनिक भैया, देखो मेरी क्या हालत बना दी राक्षस ने, इस राक्षस का तो मैं नाम भी नहीं जानता, मुझे नाम भी तो बताओ, ये राक्षस कौन है, कहाँ हो तुम। 151, 152, 153। अरे सोनिक भैया लॉस एंजेलिस में वो राक्षस तबाही मचा रहा है, तुमको पुशअप्स की लग रही है, जल्दी खड़े हो। अरे वो लॉस एंजेलिस में कितनी तबाही मचा रहा है, देखो मेरी क्या हालत बना दी, मुझे सही करो पहले। अरे फ्रैंकलिन मेरी बच्ची, वो एबोमिनेशन है, तू आ मेरे साथ, मैं तुझे सही कर दिया, चल फटाफट से चलते हैं अपन हल्क के पास, वही है जो उसको हरा सकता है, वरना कोई नहीं हरा सकता, धीमे धीमे चल, मेरे को भी तो आने दे। अरे सोनिक भैया तुमको धीमे लग रही है या जान पे उतर आइए, हल्क भैया उठो, सो क्यों रहे हो हल्क भैया, जगो हल्क भैया, आई एम हियर, देखो तो तुम्हारा दोस्त फ्रैंकलिन आया है। ए तू यहाँ से चला जा, मेरी आज छुट्टी है, बहुत मारूंगा तुझे, जल्दी भाग जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर, मुझे सोने दे, मेरे को नींद आ रही बहुत तेज। अरे हल्क भैया आपको सोने की लग रही हो, पिछवाड़ा गुजारे हो वहाँ, मुझे बहुत मारा उसने, एबोमिनेशन ने आपको ढूंढ रहा है वो, उसको जाके प्लीज मारो, बहुत मारा उसने मुझे। मुझे इसी जानवर का तो इंतजार था, तू टेंशन मत ले फ्रैंकलिन, तू यहीं रुक, मैं इसको खत्म करके आता हूँ, बहुत दिनों से इंतजार था, मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि एबोमिनेशन कब आएगा मुझसे लड़ना है, मुझे पता तो था ये कंफर्म आएगा एक ना एक दिन, तो मैं निकलता हूँ उसको ढूंढ के लाता हूँ मार के, तू यहीं पे इंतजार करना सोनिक के साथ, अगर तू यहाँ से हिला और तू कुट गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अरे थैंक यू हल्क भैया मुझे बचाने के लिए, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, आप उसको मार के ही वापस आना। हाँ मैं उसको मार के ही वापस आऊँगा, चल मैं जाता हूँ फटाफट से,
मेरा एक तो संडे खराब कर दिया, आज मैं छुट्टी पे सो रहा था। इस एबोमिनेशन को तो नहीं छोड़ने वाला, पहले पावर एक्टिव कर लूं, नहीं मैं भी ना कुट जाऊं फ्रैंकलिन की तरह। ये बात मैं हूं, हल्क मेरी पावर एक्टिव हो गई गाइस, चलो फटाफट से यहां से चलते हैं। पहले उस बंदे को देखते हैं कहां पे है एबोमिनेशन। अब आओ भाई, बच्चे को तो बहुत देर से डरा रहे थे ना तुम, अब बताओ कहां हो। पापा बाहर आ गए हैं, नींद खराब करके आया हूं साले, तुझे बहुत मारूंगा। एक तो तूने आज मेरा संडे खराब कर दिया, मैं छुट्टी पे था, आज बिल्कुल लड़ने के मूड में नहीं था। तुझे बहुत बुरा मारने वाला हूँ, है कहाँ तू दानव, तेरा तो खत्म कर दूंगा आज मैं। अरे यार ग्राउंड टूट गया यार, कोई बात नहीं, लॉस एंजेलिस की पुलिस इसको सही करा लेना। रुपया चाहिए तो सोनिक से ले लेना, सोनिक के पास बहुत है, वो पे कर देगा इसका भी। सोनिक से ले लेना, जिसकी भी प्रॉपर्टी का नुकसान हो वो सोनिक से पैसे ले लेना, मेरे पास तो रहते नहीं है, सोनिक दे देगा। तो हाँ, यहाँ चुप के बैठा है तू, मैं तुझे इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, तूने मेरी नींद खराब कर दी और यहाँ छुप के बैठा है। मैं तो उससे छुप नहीं रहा था, तेरा इंतजार कर रहा था कि तू कब आए और मैं तुझे कब धोऊं अच्छे से। याद है ना पिछली बार मैंने तुझे कैसे मारा था? तुझे याद नहीं है कि मैंने तुझे कैसे मार के फिर से पानी में गाड़ आया था? याद नहीं है तुझे? फिर तू आज तक पानी से नहीं निकल पाया उसके बाद कभी? अब याद है मुझे, उसी का बदला लेने आया हूँ आज तुझसे। आज तुझे ऐसा मारूंगा ना, ऐसा मारूंगा कि क्या ही बताऊँ, कैसे कैसे मारूंगा। अरे पहले सोच तो आता कि मुझे कैसे कैसे मारने वाला है बॉट आदमी, कम से कम पहले से सोच के आना चाहिए था कि मुझे कैसे मारेगा, नहीं तो मैं तुझे इतना बुरा मारूंगा ना आज, इतना बुरा मारूंगा कि आज के बाद तू कभी उठ के नहीं आ पाएगा। एक तो तेरी वजह से मेरी नींद खराब हुई, पता है तुझे, तेरी वजह से मैं अपनी नींद बर्बाद करके तुझे मारने आया हूं, तब तू सोच लेगी कितना भयंकर कुटने वाला है मुझसे। हाँ वो तो देख लेंगे आगे चल के कौन किससे कुटने वाला है। तेरे गामा रिएक्टर से मैं नहीं डरता, क्योंकि तुझे भी ये बात पता है कि मेरे पास भी गामा पावर है, हम दोनों को गामा से ही पावर मिली है, तो ये बात याद रखना। और अगर मुझे गलती से पानी में पहुंच गया तो तू तो मरेगा, तय है ये बात। मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगा समुद्र के पास, मुझे भी पता है कि पानी में जाके तेरी पावर डबल हो जाती है और मुझे सफोकेशन हो जाती है, मैं ये बात जानता हूँ, इसलिए मैं तुझे समुद्र के पास जाने ही नहीं दूंगा, जमीन पे ही खत्म कर दूंगा। वैसे तेरे पास इतनी एक्स्ट्रा पावर आई कहाँ से, आज तो मैं तुझे पकड़ नहीं पा रहा, ये बात कैसे हो गई है? रुक जा, तुझे धो लूं पहले ढंग से, फिर बात करेंगे, बातचीत बाद में। पता चली ना मेरी पावर, ये पावर मेरे पास एक एक्स्ट्रा आई है कि मुझे तू पकड़ नहीं सकता। पिछली बार तो तूने पकड़ के मुझे पानी में गाड़ दिया था ना, इस बार तू मुझे पकड़ के पानी में गाड़ के देखा, फिर मैं बताता हूँ तुझे। आदमी मैं तुझे बिना पकड़े भी मार सकता हूँ, अपने मुक्कों से जितना मारूंगा ना, इतना मारूंगा ना कि तू सही हो जाएगा। अच्छा तू मुझे मारेगा अपने मुक्कों से? ले फेंक दिया तुझे, अब पता क्या कर लेगा। यार इसकी पावर डबल होती जा रही है पानी की वजह से, और पानी बरसने की वजह से मेरी पावर कमजोर पड़ती जा रही है, मैं गाइस कैसे मारूं उसे, मेरे को हेल्प की जरूरत है। सोनिक के तक मुझे ये बात पहुंचानी होगी कि मुझे हेल्प की जरूरत है। सोनिक अगर तेरे पास मेरी बात पहुंच रही है, अगर तू अपनी पावरों से मुझे देख रहा है, तो मुझे हेल्प की जरूरत है, जाके हेल्प लेके आ, मैं नहीं हरा पाऊंगा इसे पानी में, बिना पानी के हरा सकता हूँ, पानी में नहीं हरा सकता, क्योंकि पानी में इसकी पावर डबल हो जाती है। क्या हुआ हेल्प, अब क्या हुआ, आज क्यों नहीं मार पा रहा? उस दिन तो बड़ी पावर दिखा रहा था, आज तेरी पावर कहाँ चली गई? आज तो बड़ा फिकता फिर रहा है, आज दिखाना अपनी पावर, आज पानी बरस रहा है, इसलिए तो मैं तेरे पास आया हूँ, क्योंकि पानी में मेरी पावर डबल हो जाती है और पानी में तेरी पावर कम हो जाती है, आज मुझे हरा के। तो फ्रैंकलिन मेरे भाई तुम यहीं पे इंतजार करना, हेल्प को मेरी जरूरत है, वो बोल रहा है मुझे हेल्प की जरूरत है, तो मुझे जाना होगा, किसी से हेल्प मांगनी होगी, कोई एविल बनने से अपन को हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो तुम यहीं पे वेट करना, इस टेंपल के अंदर वो नहीं आ सकता, मैं जाता हूँ फटाफट से कोई आदमी को ढूंढता हूँ। तो चलो गाइस अपन फटाफट से यहाँ से चलते हैं और रेड हल्क के पास चलते हैं, क्योंकि मेरे को उसकी लोकेशन पता है, वो सबसे बड़े मॉल में छुपा के बैठा है, हल्क को मारने की प्रिपरेशन कर रहा है, तो अभी हल्क वैसे ही मरने वाला है, तो ये क्या ही मारेगा हल्क को, पहले इसको जाके भड़काना होगा तभी ये कुछ कर पाएगा। अरे रेड हल्क कितनी बॉडी बनाओगे यार तुम, तुम्हारी बॉडी तो वैसे भी बहुत मस्त है। आज तू मेरा चमचा कैसे बन गया, तू तो हरे धनिये का चमचा है ना, मेरे पास क्या करने आया, यहाँ से चला जा, नहीं एक मुक्का मारूंगा मर जाएगा। तो
पता नहीं चला क्या, हल्क की तो ऐसी तैसी कर रहा है एबोमिनेशन जो दुश्मन है हल्क का, और वो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है जो हल्क को मार रहा है। ए धनिये को कोई नहीं मार सकता मेरे अलावा, मैं भी हार जाता हूँ उसकी ऐसी तैसी करने, कौन है ये एबोमिनेशन। अरे धनिये को मारने का कॉपीराइट सिर्फ मेरे पास है, और कोई हरे धनिये को छू भी नहीं सकता। कहते हैं गाइस कुछ लोग कि हल्क सारे मोटी बुद्धि के हैं, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो रेड हो, चाहे वो पर्पल हो, अपना काम तो बन गया। ये हल्क खुद आके बचा लेगा एबोमिनेशन के हाथों से, क्योंकि ये हल्क को मरने नहीं देगा, क्योंकि ये हल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे तू एबोमिनेशन मेरे हरे धनियों को मार रहा है, हरे धनियों को मारने का कॉपीराइट सिर्फ मेरे पास है, हरे धनियों को मेरे अलावा कोई नहीं मारेगा। हरे धनियों से फाइट अभी मेरी बची हुई है, हरे धनिया को मैं खत्म करूंगा, लेकिन अभी नहीं करूंगा, लेकिन पहले तुझे मार लूं। हरे धनिया को तूने टच कैसे किया, वो मेरा दुश्मन है, सिर्फ मैं मार सकता हूँ उसे, मेरे अलावा कोई नहीं मार सकता। कहाँ छुप के बैठ गया तू? अच्छा ये है तू? अरे तुझसे तो मैं पहले भी मिल चुका हूँ, एक बार तुझे मारा था ना मैंने स्पेस गैलेक्सी में जब तू उड़ रहा था बहुत। अब बता क्या बोल रहा था, हरे धनिया को मारेगा आज के बाद? अगर तूने हरे धनिया को टच भी किया ना तो साले तुझे जमीन में गाड़ दूंगा। बहुत पावर दिखा रहा अपनी है, हरे धनिया को मारने की पावर दिखा रहा। जानता भी हरा धनिया मेरा दुश्मन है, और मेरे दुश्मन को सिर्फ मेरे अलावा कोई नहीं मार सकता। अब बहुत उचक रहा था ना, अब उचक के दिखा। अरे भैया आप यहाँ पे कैसे, आप क्यों मुझे मार रहे हो? भैया आपको तो मैं जानता हूँ, आपने एक बार मुझे बहुत बुरा मारा था स्पेस गैलेक्सी में। प्लीज भैया मुझे छोड़ दो, मैं तो हरे धनियों को मारने आया था, मतलब मेरा मतलब हल्क को मारने आया था। आपसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मैं जानता हूँ आपकी पावर को। तू मेरी पावर को जानता है और तू मेरे दुश्मनों को नहीं जानता कि मेरा दुश्मन है हल्क। मेरे दुश्मनों को सिर्फ मैं मार सकता हूँ और कोई नहीं मार सकता। रुक जा तुझे बताता हूँ ढंग से, बहुत ज्यादा एबोमिनेशन बन रहा है, मैं बताता हूँ तुझे। नहीं भैया मुझे प्लीज छोड़ दो, मेरे कोई गलती है नहीं है, मुझे पता नहीं था कि वो हल्क आपका दुश्मन है। आज के बाद मैं कभी हल्क को टच भी नहीं करूंगा, भैया मुझे एक बार छोड़ दो, आज के बाद लॉस एंजेलिस कभी आऊंगा भी नहीं मुड़ के। That's like a good boy, abomination. आज के बाद कभी आना भी नहीं, और आना तो हरे धनियों को मत टच करना, बाकी तुझे जिसको मारना हो मार देना। अब यहाँ से निकल ले, फटाफट से निकल ले। हाँ तो हरे धनिया तू कहाँ चला गया, तुझे तो देख लूँ मैं। अब तेरे से तो लड़ाई मेरी बची हुई है, अभी बाद में मारूंगा तुझे, अभी तू जख्मी है ना, मुझे भी पता है कि तेरी पावर कम हो जाती है पानी में, इसलिए मैं तुझसे कभी बरसात में लड़ने नहीं आया। बराबरी की लड़ाई होनी चाहिए हमेशा। ओ अरे धनिये उठ जा, मार दिया मैंने एबोमिनेशन को, उठ जा, लग गई है क्या तुझे, उठ जा, ला हील कर देता हूँ। तो भाई मैंने तेरे को बचा तो लिया, लेकिन तेरे से दोस्ती नहीं करी है, याद रखना कि अपनी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। थैंक यू रेड हल्क मेरी हेल्प करने के लिए। तो चलो गाइस वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो करते हैं लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि रेड हल्क और ग्रीन हल्क की लड़ाई फिर से हो कि नहीं, और मेरी एवल टीम में कौन कौन आना चाहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।